बेगूसराय नगर निगम के बैरियर कर्मी द्वारा ई रिक्शा चालक के पीट पीट कर हुई हत्या के विरोध में शनिवार को ई रिक्शा चालकों ने हर हर महादेव चौक के समीप एनएच 31 को जाम कर जमकर बवाल किया। शव का पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित लोगों ने ई रिक्शा एवं अन्य वाहन लगाकर एनएच 31 पर यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया, जिसके कारण आम लोगों को खासकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान रिक्शा चालक एवं उसके संगठन के कुछ नेताओं ने राहगीरों के साथ बदतमीजी भी की। एनएच 31 फोर लेन को जाम कर रहे आक्रोशित लोगों का कहना था कि नगर निगम क्षेत्र में बैरियर कर्मियों की रंगदारी धड़ल्ले से चलती है। शुक्रवार को नागदा निवासी मिश्री शाह के पुत्र ई रिक्शा चालक संजय कुमार सोनी ने जब खुदरा नहीं रहने पर अगले ट्रिप में बैरियर देने की बात कही तो इस बात पर नगर निगम के ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए दबंगों ने लाठी डंडा और ईंट से पीट पीट कर संजय को अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन संबंधित अधिकारी और ठेकेदार देखने तक नहीं आए। सड़क जाम कर रहे ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वे लोग नगर निगम में जगह जगह टैक्स नहीं देंगे, टैक्स फ्री किए जाने तक सड़क जाम रहेगी। ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार अकेला सहित अन्य का कहना है कि 4 साल से इस अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण एक साथी की हत्या हो गई। हत्यारों को प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे। मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी तथा परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिले तथा ई रिक्शा चालकों से वसूली नहीं करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही उनका आंदोलन खत्म होगा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर एनएच 31 में लगी लंबी जाम को खत्म करवाने में जुटी हुई दिखी और वरीय पदाधिकारी पहुंच पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने की बात कही, तब जाकर जाम खत्म हुआ। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गण के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। अधिकार दिया मारने का, किसका अधिकार है, कौन नियम के तहत इसको मारा गया, कौन सुनने वाला है, सरकार का क्या नियम है, मारो पीटो। सभी रोड में बैरियर लगा, हाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, लूटकांड करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा, क्या करके खाएगा, बताइए। प्रत्येक चौराहे प्रशासन से पूछिए कि क्या करके खाएगा। प्रत्येक चौक चौराहे पे बैरियर वसूला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ यही न गलत है कि सरकार एक जारी करे, नियम करे कि सब रोड में जाकर के बैरियर लेगा। कहाँ जाएगा गरीब लोग, कहाँ जाएगा, जिस जगह पर जाता है बैरियर लेता है, कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब लोग मार खाता है। ऐसा घटना कई एक बार हो चुका है, क्या को हॉस्पिटलाइज हो चुका है, क्या वो मर के गया, क्या वो मर गया, क्या होगा, इसका 5 बच्चा है, इसको कौन देखने वाला है, कोई नहीं, एक ही वो बेटा है, एक ही वो माई बेटा। और जब तक सरकार निर्णय नहीं करेगी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बेटी बेटी हम बेटा नहीं है, बेटी छी, कौन उपाय होता है, तुही सर शरण लगेबो, ओकर उपाय करबो, ई नहीं करबो, आ ओकरा मार देतै, कर दोसरा मार देतै, ओकर मन बदले ना, ई पता नहीं है, ई पता नहीं है, लेकिन जहां सुनिए क्या है पूरा मामला। अरे यहाँ रिक्शा वाला को मार दिया जीडी कॉलेज गेट पे, सही बैरियर वाला मिल। कब कब हुआ ये घटना? घटना है 8-9 बजे घटना। जिसको मारा गया उसका नाम क्या है? संजय प्रशासन आई हुई है। ये रोज की घटना है, यहाँ से चल रहा है। पूरा दुनिया मौत, 100-200 बेचारा कमाता है, उसके साथ वो 1 रुपया छीन लेता है। 10 साल बैरियर मालिक को बुलाया जाए, बैरियर मालिक को बुलाया जाए, स्टाफ को पूछा जाए कि किस कारण इसको मारा है, तुमको बैरियर नहीं दे रहा है या पैसा नहीं दे रहा है।
तुम इसके कारण काहे को मारा? एकांत चल गया, पांचो बेटी है उसको, पांचो बेटी का उसका जुर्माना आपको मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसा फैला देंगे। क्या नाम है? हर हर महादेव टोक बेगूसराय। मेरा नाम चंदन कुमार उर्फ पैरा। ये रिक्शा चालक थे, ये रिक्शा चला के अपने बाल बच्चे का पेट भरते थे। इनकी पांच बच्चियां हैं और एक लड़का है। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये किराए पे रहते थे। 10 रुपए बेरियल के कारण बेरियल वाले ने इनकी हत्या कर दी, पीट पीट कर हत्या कर दी। हम प्रशासन से और जिला पदाधिकारी से सभी से इनके और इनके बच्ची का मुआवजा और जहां तक जो हो सके इनको निर्णय दे। अजय कुमार। मेरा नाम संजना कुमारी है, मेरे घर में कमाने वाला है। क्या हुआ था? उम्मीद कब हुआ? प्रशासन तुम दिखाएगा, तुम ही दिखाएगा प्रशासन को। तुम बच्चे खिलाएगा, तुम बोलो ना। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।